पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने शिवपुरी शहरवासियों के गुम हुए मोबाइल वापस लोगों को वितरित किए हैं। यहां हम आपको बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे उन लोगों ने साइबर सेल शिवपुरी में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइलों में से 48 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, जिन्हें आज पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा लोगों को वापस किया गया। अपने मोबाइल वापस पाकर लोग बहुत प्रसन्न दिखे और पुलिस को धन्यवाद कहा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज जो खोए हुए मोबाइल आपके द्वारा बांटे गए थे, सर क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ये लास्ट ईयर से 2020 से कई सारे लोगों के आवेदन थे जिनका मोबाइल मिसिंग था, इसको हम लोग साइबर सेल में हमारे जो साइबर सेल की टीम है लगातार एफर्ट करती रहती है, क्या है सर्च करती रहती है, तो जब कोई फ़ोन ऑपरेट होता है हमको लोकेशन मिलती है तो उसको ट्रेस करते हैं। इसमें कि 50 मोबाइल जिनमें से काफ़ी ज़्यादातर 60% के आसपास बच्चों के थे जो पढ़ने जाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है तो वो मिले हैं। 5,000 से लेकर 20,000 तक के मोबाइल हैं उनको बधाए किए गए, जो अलग अलग टाइम पर दिनों में मिले हैं महीने भर के अंदर, और एक अच्छा काम हुआ मुझे लगता है, जिससे कि उन लोगों को भी ये राहत मिलेगी और हम लोग इसको लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इनमें जो आरोपी भी होते हैं कि क्राइम क्या हो तो उसको जमा। सर, बच्चों ने और कुछ लोगों ने धन्यवाद ज्ञापन भी किया है, तो क्या कुछ जगह नहीं, ये हमारा काम है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि युवा वर्ग खासतौर से जिसको बहुत ज़रूरत पड़ती है और युवा वर्ग मुश्किल से मोबाइल उनके लाता है और वो पढ़ाई में उनके लिए बड़ा सहयोगी है, उनको हम वापस कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कुछ पसंद लगता है और हमें साइबर सिक्योरिटी वास्तव में अच्छा करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।